नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने खाने के तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी कि पॉम ऑयल का ऐलान किया। पेट्रोल डीजल प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में गिरावट का रुख होने के बाद भी भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई फेरबदल नहीं किया है। गोल्ड प्राइस, सोने के दाम आज 1091 रुपए की गिरावट के साथ 46,556 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। राज्य को ओबीसी लिस्ट में संशोधन का अधिकार, 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश। 20 दिन से पेगासस जासूसी पर चर्चा को लेकर अड़े विपक्ष को सरकार के साथ आना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में गए खिलाड़ियों में 73% मिडिल क्लास के हैं और 55% जनरल कैटेगरी के प्लेयर्स ऐसे भी जिनकी माँ बहन झाड़ू पोछा करती थी। गुजरात में भीषण सड़क हादसा, सावरकुंडला में बलदा गांव के पास ट्रक झुग्गी बस्ती में घुसा, 25 लोगों को रौंदा, 8 की मौत, 4 की हालत नाजुक। पेगासस केस पर सरकारी की सफाई, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली फर्म से कोई लेन देन नहीं हुआ, राज्यसभा में दिया जवाब। कश्मीर में राहुल गांधी, आर्टिकल 370 हटने के बाद कांग्रेस नेता का पहला दौरा, 2 दिन की विजिट पर आज श्रीनगर पहुंचेंगे राहुल। असम मिजोरम सीमा विवाद, प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की मुलाकात, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। अफगानिस्तान को लेकर नीति बदल रहे देश, तालिबान पर भारत बैक डोर स्ट्रेटजी बना रही, विदेश मंत्री जयशंकर के ईरान दौरे से मिले रहे थे। बॉर्डर से टिफिन बम, हैंड ग्रेनेड और 100 कारतूस बरामद, बीएसएफ के जवानों और पुलिस ने अमृतसर का चप्पा चप्पा खंगाला, पाकिस्तान से आया था ड्रोन, एक बैग फेंक कर लौट गया। बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश, पूंछ सेक्टर के जंगलों से बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार किए जब्त, 15 अगस्त से पहले आतंकियों को होने थे सप्लाई। अफगानिस्तान जंग तेज, तालिबान ने कुदुंज शहर समेत देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया, अमेरिका ने मुकाबले के लिए B-52 बॉम्बर भेजे। हफ्ते के पहले दिन बाजार में बढ़त, दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 125 अंक और निफ्टी 20 अंक चढ़कर बंद, मेटल और पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट। दिग्गज ऑनलाइन रिटेलरों को झटका, सीसीआई जांच रुकवाने की अमेजोन और फ्लिपकार्ट की अपील खारिज, दोनों दिग्गजों पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अडंगा लगाने का आरोप। वोडाफोन आइडिया की दिक्कत बढ़ी, कंपनी फेल हुई तो सरकार को 1.60 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा, यस बैंक इनसाइड बैंक को भी फंसे। अमेजन की बड़ी तैयारी, ग्रोसरी का ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, नजदीकी स्टोर से जाकर सामान ले आइए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी जो अब 21 साल कर दी गई है। इसके अलावा शराब की दुकानें सरकार नहीं चलाएगी, यानी अब यहां सरकारी ठेके नहीं होंगे। आर्मी में 17 साल तक पैरा कमांडो रहे जवान को मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से सीआरपीएफ ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद जवान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राजस्थान में अगले 8 दिन सताएगी गर्मी, पाकिस्तान से आ रही गर्म हवा बढ़ा रही प्रदेश का पारा, मानसून के लिए बने सिस्टम की स्थिति बदलने से बारिश हुई कमजोर। आज की खास खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि सारी टेक्सटाइल अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।